गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। देखिए बेटा, हम 8th पॉइंट कर रहे थे। अनदर एनिमल विच लिव्स इन डेजर्ट इज द कैमल, कि दूसरा एनिमल जो डेजर्ट में रहता है वो कौन है? कैमल है। ये आप सबको इसके बारे में पता है। कैमल वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाई पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, कई साल पहले कैमल को लोग पाला करते थे। डोमेस्टिकेटेड तो पालना। इन द वर्ल्ड कैमल यूजली लिव इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 30 एनिमल्स। और इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या होता है बेटा? जंगली। और जंगली जो कैमल थे वो ग्रुप्स में रहते थे, कितने? लगभग 30 एनिमल्स, यानी 30 एनिमल्स जो जंगली एनिमल्स होते थे वो ग्रुप के रूप में रहते थे। कैमल्स हैव लॉन्ग शेगी विंटर कोट टू कीप वार्म। कैमल के पास लंबा और शेगी होता है बेटा खुरदरा, जैसे आप हाथ लगाओगे तो उसको अजीब सा एक खुरदरापन आपको महसूस होगा। खुरदरा विंटर कोट होता है उसको गर्म रखने के लिए। एंड शॉर्टर, और एक छोटा टाइडियर, टाइडियर क्या होता है? साफ सुथरा कोट होता है समर के लिए, टू कीप कूल, उसको कूल रखने के लिए। ये बेटा कोई एक वो अलग से कोई कोट नहीं पहनता, ये होता है जो उसकी स्किन होती है ना, वो बताई गई है कि जो विंटर होती है विंटर में उसका कोट का काम करती है और समर में उसको कूल रखने का काम करती है। थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, कि एक प्यासा कैमल 30 गैलन्स ऑफ वाटर पी सकता है, यानी इतना पानी वो पी सकता है। दैट इज़ अबाउट, जो कि किसके बराबर है? 500 फुल ऑफ ग्लासेस, 500 यानी 500 ग्लास के भरे हुए ग्लासेस के बराबर है। इन जस्ट 10 मिनट्स, और केवल 10 मिनट्स में, यानी 10 मिनट्स में वो इतना पानी पी सकता है। नॉर्मली हाउ एवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स, और नॉर्मली ये सारी मॉइस्चर प्राप्त कर लेता है जिसकी इसको डेजर्ट प्लांट्स में इसको इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स, जो इसकी डेजर्ट प्लांट्स से इसको ज़रूरत होती है। मतलब डेजर्ट में रहते हुए जितनी मॉइस्चर की इसकी ज़रूरत होती है ना, उतनी मॉइस्चर इसको मिल जाती है। एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, और ये 10 महीनों तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता। सर्वाइव क्या होता है बेटा? जीवित रहना। सर्वाइव होता है जीवित रहना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल। अब यहाँ पर दो तरह के कैमल बताए हैं। वन नोन एज ड्रोमेंड्री, एक जिसको हम क्या कहते हैं? ड्रोमेंड्री। ओनली हैज ए सिंगल हम्प, जिसका हम्प एक ही होता है। द अदर इज कॉल्ड द बैक्टीरियन कैमल एंड हैज टू हम्प, जिसके दो हम्प होते। देखो बेटा, यहाँ पर दो हम्प दिखाए गए, किसी में ये नहीं होता और किसी में सीधा यही होता है, ये वाला, तो उसको हम कहते हैं ड्रोमेंड्री, राइट। अब देखिए, द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट, जो हम्प्स है ये इस एनिमल को डेजर्ट में जिंदा रखता है। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, और किसका काम करता है? स्टोरेज कंटेनर का। बट दे डू नॉट स्टोर वाटर, लेकिन वो पानी स्टोर नहीं करता। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट, जैसे कि कई लोग वो गलत सोचते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, वो किससे भरे होते हैं? वो फैट से भरे होते हैं, तभी तो उसको किसका काम करता है? वो स्टोरेज कंटेनर का। दिस फैट नरिशेज द कैमल व्हेन फूड इज स्केयर्स, स्केयर होता है कमी, स्केयरसिटी वर्ड एक उससे ही बना है बेटा। तो दिस फैट नरिशेज द कैमल, ये कैमल को पोषण देता है, यानी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जब भोजन की कमी होती है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर उसके पास कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं होता, देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप, तो उसके जो हम्प है वो सिकुड़ जाता है। श्रिंक क्या होता है? सिकुड़ जाना, और जब सारा फैट यूज हो जाता है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, इसके अलावा कई और तरीके भी हैं जो कैमल अपने आप को ढाल लेते हैं। अडेप्टेड क्या होता है बेटा? ढाल लेना अपने आप को, टू डेजर्ट लाइफ, डेजर्ट लाइफ के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को ढाल लिया है।
इट मीन्स वो डेजर्ट लाइफ में जिंदा रह सकता है. देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थ्रोन कैन नॉट पर्स थ्रू. उनके माउथ इतने टफ होते हैं कि जो शार्प इतना तीखे से तीखा जो थोर मतलब काटा, क्योंकि वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ होती है ना, कैन नॉट पर्स, पर्स होता है उसके अंदर पेनिट्रेट करना, घुस जाना, उसके अंदर भी घुस नहीं सकता. यानी वो इतना टफ होता है और अगर घुस भी जाता है तो उसको नुकसान नहीं करता. तो ये बेटा आज हमने ये देखा है, तो आज आप इस लेसन को देखना, फिर उसके बाद एक्सरसाइज हम करें. थैंक यू.